अभी सुबह सुबह का टाइम है और दिन के तकरीबन 9 बज चुके हैं। अभी मैं तोहर को स्कूल छोड़ के आया हूँ, तो वापस आके देखा है कि हमारी लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो ट्रांसफार्मर में जा के देखा मैंने, तो लाइट जो है वो उसकी जो 1 पॉइंट है वो जो एक डी होती है वो सड़ चुकी है। तो अभी वापडा वालों को भी फ़ोन करना है, क्योंकि वो 9 बजे के बाद ही आते हैं अपने ऑफिस में। वापडा वालों को भी फ़ोन करते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्या। अभी मैं बाहर निकलता हूँ गली की तरफ, तो ये एक जो ढोल वाला है वो आया गली में, तो इससे सुनते हैं ये हमें क्या सुनाता है। एक तो लाइट भी नहीं है और दूसरा ट्रांसफार्मर भी ख़राब है, तो इससे देखते हैं ये हमें क्या महसूस करता है, क्या सुनाता है। तो बस अभी मैं बैठा हूँ गली में, तो गली में बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ लाइट वालों का कि लाइट वाले आए और जो है ट्रांसफार्मर में लाइट वाले आए और ट्रांसफार्मर में जो प्रॉब्लम है मसला हल करें। तो फिर मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी करना है और नहाना भी है, तो बैठना कि हमारी ये होगी आज के, हमारा आज का जो आज के दिन हमारा जो UPS है वो भी ख़राब हो गया। बैटरी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिन पहले UPS भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसकी वजह से सुबह सुबह बैटरी है जो हम बैटरी वाले को दे के आए हैं, तो उसकी वजह से हमारी तो लाइट टोटल बंद है। हम फैन भी नहीं चल रहा, ना कोई मोबाइल चार्ज हो रहा है, इसलिए हमारा जो है वो लाइट वालों को इंतज़ार करना जो मजबूरी है। तो दोबारा फिर कॉल करता हूँ वापडा वालों को, फ़ोन करके। वापडा वाले तो आ चुके हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर का जो फॉल्ट है वो अभी मिल नहीं रहा, तो लगता है अभी और देर लगेगी, जिसकी वजह से हमें और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज जुमे का दिन भी है, तो आज तो लाइट की ज़रूरत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जुमे की तैयारी करनी है, कपड़े वगैरह प्रेस करने हो, तो उसके बाद नहाना होता है। तो अभी देख रहे हैं क्या फॉल्ट है ट्रांसफार्मर में, तो अल्लाह करे जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर जितनी लेट होगी उतना जुमे का टाइम भी करीब आता जाएगा। सारा दिन जो हमारा ट्रांसफार्मर था वो सही करवाने में लग गया तकरीबन, तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ट्रांसफार्मर सही हुआ है, लेकिन मुकम्मल सही नहीं हुआ, उसमें भी फॉल्ट है। तो अभी जो लाइट है वो आ रही है 150-160 के राउंड अबाउट, तो ये लाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए जो 220 और 240 के लगभग वोल्टेज आने चाहिए। अभी गुजारा हो गया है, क्योंकि सुबह को पानी भी नहीं था, तो अभी जो है वो जो कपड़े भी हैं वो भी इस्त्री कर लिए, और पानी भी जो था उसका कुछ बंदोबस्त हो चुका है।